हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रॉ एजुकेशन में। उन्नत दर्जा शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, उनहत्तर हज़ार मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा चुका है। मैंने कल ही आप लोगों को अपडेट दी थी और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है कि एक जो अपडेट सुप्रीम कोर्ट के तहत पहुँचा था, जो जनरल अभ्यर्थी थे वो पहली ही याचिका दायर कर चुके हैं और अभी की लेटेस्ट अपडेट निकल कर ये आ रही है कि दूसरी भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। किसके द्वारा दाखिल की गई है ये याचिका, इस पर बातचीत करेंगे। नए शिक्षक भर्ती और इस भर्ती पर पड़ेगा कितना असर, इस पर भी बातचीत करेंगे। उन्नत दर्जा शिक्षक भर्ती में कैसे पेंच फंस चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी गई है और इन सभी चीज़ों पर जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं जिस पर नज़र बना के रखनी है, इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 69,000 सुप्रीम कोर्ट में 69,000 मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका मैंने आप लोगों को बताई थी, उसके बाद दूसरी याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिकाएं जो हैं वो अचयनित जनरल अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई हैं। जी हाँ, वही अभ्यर्थी जो इस शिक्षक भर्ती का हिस्सा रह चुके हैं और उनका चयन प्रभावित हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक गए। अब आप कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी अचयनित जनरल की तरफ से और इसमें सबसे पहले जो है विनय पांडे एंड टीम के द्वारा एसएलपी दाखिल की गई थी और इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को दी थी और इसके एओआर कौन है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है, उसके पे भी बातचीत करेंगे। तो डायरी नंबर ये है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कोर्ट केस में डायरी नंबर मेंशन करके आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 24/8/2024 शाम को ये एसएलपी पड़ी हुई है और इसके एओआर हैं आपके किसले शुक्ला, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर आ जाते हैं, जिन जजमेंटों का हवाला दिया जा रहा था उन सभी पर बातचीत कर लेते हैं और मैं दोनों पक्षों की बात करूंगा। आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट है जिस पर लगातार ये बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में ये आदेश था कि याचिकाकर्ताओं ने उम्र सीमा में छूट लेकर ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था, उसने साक्षात्कार में भी ओबीसी श्रेणी में ही दिया था, इसलिए वह समान श्रेणी में नियुक्ति के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट था। इसी जजमेंट का हवाला देकर जो अचयनित जनरल अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उनका कहना एकमात्र यही है कि किसने स्टेज पर कितनी बार आरक्षण का लाभ लिया जाएगा। उनका कहना यह है कि टेट या सीटेट में एक बार अपनी कैटेगरी में आप चयनित होते हैं, अपने आरक्षण का लाभ लेते हैं, दूसरे स्टेज में आप आरक्षण का लाभ लेते हैं सुपर टीटी में, फिर उसके बाद आप फाइनल मेरिट में भी आप आरक्षण का लाभ लेंगे, तो कितने स्टेजों में आप ये लाभ लेंगे, ये कहना जनरल अभ्यर्थियों का है। और ये मामला क्या था, ये भारतीय निर्यात परीक्षण निरीक्षण परिषद में लैब सहायक ग्रेड टू के लिए ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था दीपा पीवी ने और इस जजमेंट पर साक्षात्कार के लिए उनको जब बुलाया गया, उनका जो परीक्षा हुई तो ओबीसी श्रेणी में उन्होंने आवेदन किया था और इसके लिए हुई जो परीक्षा हुई थी उसमें 82 अंक उन्होंने प्राप्त किए थे। ओबीसी श्रेणी में उसे लेकर 11 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था लेकिन इसी वर्ग में 93 अंक लाने वाले सेरेना जोसेफ को चुना गया था। जहां तक समान वर्ग का सवाल था वहां न्यूनतम कट ऑफ अंक 70 गया था लेकिन कोई भी उम्मीदवार ये अंक नहीं ला पाए, इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। ये तो जजमेंट रहा कि दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा और कौन से नियम के तहत ये है। कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्रवाई के नियम तथा ओएम में साफ है कि एससी एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा, जो एसटी एससी ओबीसी बंधुओं द्वारा जो बात कही जा रही है तो उसमें स्पष्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरिट पर एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थी समान की सीट पाने के हकदार हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सिर्फ आरक्षण वाली सीट तक सीमित रखना उचित नहीं है। तो ये दोनों प्रकार के जजमेंट हैं और दोनों ही पक्ष के अभ्यर्थी इन सभी जजमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने व्यवहार और अपने वकीलों से इन सभी चीज़ों को लेकर संपर्क साधे हुए हैं। और जब से ये सारे आंकड़े सबके समक्ष आए हुए हैं, जिस प्रकार से यूआर ओबीसी एससी एसटी के यूआर की जितनी सीटें हैं रिजर्वेशन जो है और उस रिजर्वेशन के हिसाब से कितने लोग को कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला हुआ है, इन सभी आंकड़े आने के बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। कल मैंने आप लोगों को सारी डिटेल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की भी बात की थी, उसको भी उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें डील आउट हुई हैं कि क्या लास्ट मेरिट क्या गई है, हाई मेरिट क्या गई है। बार बार किन्हीं उन्हीं चीज़ों को दोहराना कहीं ना कहीं आपके समय की बर्बादी है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा और जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।